Hello guys, welcome to Knack Fitness once again, and we are here with a Ramadan related video और related to bodybuilding. आज हम रावल लेक जा रहे हैं इधर इस्लामाबाद में, तो हमने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दें. सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे आई एम प्रीटी श्योर लोगों के दिमाग में, कुछ मेरे माइंड में भी क्वेश्चंस हैं, आई एम प्रीटी श्योर सिमिलर होंगे जो लोग सोच रहे हैं इस रमज़ान में कि क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए. सो बिफोर वी गेट इन टू डिटेल्स, हम एक दो सवाल जो मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में वो हम नुमान भाई से एक बार पूछते हैं. सो नुमान भाई, फर्स्ट क्वेश्चन मिथ या जो फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, पूछते हैं या बोलते हैं, वो ये है कि रमज़ान में बॉडी बिल्डिंग करनी भी चाहिए, एक्सरसाइज करनी भी चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? रमज़ान में बॉडी बिल्डिंग, तो आप बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. लोग अक्सर इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्योंकि आप ने रोज़ा रखा होता है, आपकी डाइट वगैरह थ्रू आउट द डे आप जारी बात एम्प्टी स्टमक होते हैं, तो ये चीज़ें आपने कोशिश करनी होती हैं कि मतलब इन मिथ से निकलें आप, और एटलीस्ट जो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं या ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते वो एक दफ़ा ट्राई करके देखें, तो उनको रिजल्ट्स भी मिलेंगे. जो भी फैट लॉस भी करना चाहते हैं या मसल मेंटेन करना कह सकते हैं, मसल ग्रोथ थोड़ी सी रमज़ान में मुश्किल होती है, बाकी आप जो बाकी ट्रेनिंग है वो आप इजीली ट्रेन कर सकते हैं आप लोग. ठीक है. और एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है लोगों के जिन में, ये जो आपने अभी बात की मसल ग्रोथ की और इसकी, कि रमज़ान में पॉसिबल है मसल गेन करना या फैट लॉस करना? फैट लॉस करना तो बहुत ही ज़बरदस्त, आप समझ लें कि आइडियल सिचुएशन है फैट लॉस वालों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप थ्रू आउट द डे आपका स्टमक भी एम्प्टी होता है, उसके बाद अगर आपकी डाइट साफ़ है, आप क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, अफ्तारी में कुछ तरह की चीज़ें नहीं खा रहे, तो फिर ये होता है कि आप कैलोरिक डेफिसिट में होते हैं. ठीक है, तो कैलोरिक डेफिसिट तो आप समझ लेंगे सबसे जो प्लस पॉइंट है वेट लॉस का, फैट लॉस का सबसे जो मेन चीज़ है वो कैलोरिक डेफिसिट है. बिल्कुल सारी सी बात है, जब आप कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है ना वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, फैट लॉस में आ जाती है, फैट लॉस मोड में आ जाती है. ठीक है, उनके लिए ये रिकमेंड करूँगा कि ट्रेनिंग अपनी बहुत ज़्यादा ओवर ना करें, कार्डियो भी लिमिटेड करें, ठीक है, और डाइट पर फोकस करें, कोई इस तरह की जो भी जंक फूड हो गए, प्रोसेस फूड हो गए, सैचुरेटेड फैट्स हो गए, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, फिजिक ड्रिंक्स, जो भी ये चीज़ें आप कोशिश करें अवॉइड करें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, और क्लीन ईटिंग जो आपको बॉडी के रिक्वायर्ड है, कम्प्लेक्स कार्ब्स हो गए, प्रोटीन हो गए, गुड फैट्स हो गए, इन चीज़ों पर फोकस करें और अपनी तरफ से मैक्सिमम इनपुट करें, तो फैट लॉस वाले तो बड़े ईजिली अपना फैट लॉस भी कर सकते हैं और वेट लॉस भी हो सकता है. बाकी जो रह गए मसल मेंटेन वाले, तो मसल मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मतलब रमज़ान में ये सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ है ना, ये आप कर सकते हैं कि मसल आप मेंटेन रख सकते हैं. वो उसमें ये है कि आपने करना इस तरह है कि आपका जो प्रोटीन का इनटेक है आपने मैक्सिमम ट्राई करनी है, जितना आप कंज्यूम कर सकें अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपने कंज्यूम करना है. फिर उसके बाद एक सप्लीमेंट आता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स BCAAs जिनको कहते हैं, वो आपने मस्ट कंज्यूम करनी है. उसका रिव्यू भी गाइस हम लोगों ने वीडियो जो है अपलोड कर दी है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा. मस्ट जो है ना, मस्ट उसको कंज्यूम करें, उसकी रीज़न ये है कि वो आपके मसल को ब्रेक डाउन नहीं होने देगा, जो आपने मसल बिल्ड किया हुआ है वो उसको ब्रेक डाउन होने में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा. ठीक है, तो वो आप ट्राई करें. आप बाकी के सप्लीमेंट्स नहीं भी ले रहे तो BCAAs जो है थ्रू आउट द रमज़ान आपने मस्ट लेने हैं, बाकी अपनी डाइट पे फोकस करना है, और मसल गेनिंग भी पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है पॉसिबल नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो आपकी नॉर्मल रूटीन है उसके मुकाबले में आप कह रहे कंपेरिजन में कम होती है. तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग रमज़ान में मसल मेंटेन पे फोकस करें, अगर आप ऑलरेडी मतलब कोई बॉडी बिल्डर हैं या फिटनेस एथलीट हैं, या अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ फैट लॉस की तरफ फोकस करें, ये आपके लिए जो आइडियल सिचुएशन है रमज़ान का महीना. ओके, सो एक और भी क्वेश्चन होता है लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा, क्योंकि रमज़ान है और गर्मियों का मौसम है, तो हमारे विंडो भी काफ़ी छोटी, क्योंकि एक रोज़ा काफ़ी लेंथी होता है, तो वाटर इनटेक जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और वो कैसे करना चाहिए?
वाटर इनटेक देखें, बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है ना, मतलब आपके बॉडी वेट के हिसाब से होती है, और उसके बाद थ्रू आउट द डे जारी बात है, जब आपकी बॉडी हाइड्रेट ही नहीं होगी उस टाइम, तो आपने मस्त जो है ना पानी, जो है ना पानी तो वैसे भी गर्मियों में आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को हाइड्रेट रहने के लिए, मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बाकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन सब के लिए वाटर तो बहुत ज़रूरी है। तो वाटर का ये है कि आप कोशिश करें कि जब भी इफ्तारी होती है, लोग क्या करते हैं, वो या तो फिजी ड्रिंक्स यूज़ कर रहे होते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज़ कर रहे होते हैं या कोई इस तरह के आर्टिफिशियल जूसेस पी रहे होते हैं, तो इन चीज़ों से आप अवॉइड करें। आप नेचुरल वाटर हो गया या फ्रेश जूसेस हो गए नेचुरल जो होते हैं, आप उनकी तरफ फोकस करें, और उनकी जो कंजम्पशन है वो भी ट्राई करें कि आप जितना स्लो कंज्यूम कर सके उतना बेहतर है। ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं अफ्तारी होती जाती है फौरन इतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो उसके बाद ये है कि ब्लोटिंग हो जाती है और काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं, डाइजेशन आपकी नहीं हो रही होती, आप वाटर इनटेक की वजह से कोई चीज़ खा नहीं सकते, कोई हैवी मील नहीं ले सकते। Correct. तो थ्रू आउट द समझ लें कि जो भी आपका टाइम पीरियड मिलता है आपको अफ्तारी से लेकर सारी तक, उसमें फिर आप ये होता है कि बस आप अजीब से ही फील कर रहे होते हैं, तो वो ट्राई करें कि पानी का इनटेक आराम आराम से जितना स्लो आप कंज्यूम करें उतना अच्छा है। और उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग करते हैं रात को अफ्तारी के बाद, तो वो ट्रेनिंग के जो आप टाइम पीरियड होता है उसके बीच में आपके पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, आप इजीली पानी का इंटेक अपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप ट्रेन कर रहे होते हैं, आपकी स्वेटिंग हो रही थी, पसीना वगैरह भी आ रहा होता है, और गर्मी में तो आपको पता है पानी बार बार बंदे का पीने का दिल भी करता है ट्रेनिंग के दौरान, तो आप वो एक ऐसा टाइम पीरियड है कि आप इजीली उसको वाटर का जो आपका इंटेक है आप पूरा कर सकते हैं। बाकी जिन चीज़ों से अवॉइड करने का बताया उनसे अवॉइड करें, तो होपफुली आप चेंज भी फील करेंगे और आपको बेनिफिट्स भी होंगे इससे। ओके गाइस, सो सी यू ऑन रावल लेक, मीनवाइल आप लोग रास्ते की वीडियो एंजॉय करें। So we are here at Rawal Lake finally, and what a beautiful view, और बड़ी अच्छी हवा भी चल रही है, मई का महीना फिर भी काफ़ी अच्छा मौसम है हमारे से नुमान भी क्या कहते हैं। हाँ जी, इस्लामाबाद का आपको पता है इस्लामाबाद का यही बेनिफिट है, इस्लामाबाद का वेदर फिर भी काफ़ी आपको सपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितनी भी सिटीज़ हैं उनसे। आई होप सबके रोज़े भी अच्छे गुजर जाएँ, गर्मी ज़्यादा ना हो। हाँ जी, हमारी यही प्रे है आप सबके लिए, और हम जो वीडियो बना रहे हैं तो हम खैर फिटनेस से रिलेटेड बना रहे हैं, उसके अलावा जो आप रोज़ों में जो मेन मकसद होता है आपने इबादत भी अपनी पूरी करनी है, क्योंकि एक मंथ आता है उसमें ट्राई करना आपने जितना मैक्सिमम आप अपनी नेकियां अन कर सकें आपने करनी है, और हमें भी दुआओं में याद रखें, बाकी लोगों को भी दुआओं में याद रखें, और जितना हो सके अपनी तरफ से आप कोशिश करें अच्छा करने की जो भी आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, सो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो नुमान भाई, हम लोग जिस तरह बात कर रहे थे उस टाइम के हमने जो मिथ से वो हमने ख़त्म कर दिए, और या हमने अपनी तरफ से जो हमें सही लगती है चीज़ें वो हमने बता दी, अब हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग रमज़ान में ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, हम उनको एक पूरा प्रोग्राम बना के दें, उनको एक पूरा उनका स्केड्यूल बना के दें एक डे का। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में अफ्तारी होती है, पहली जो अफ्तारी होगी वो अराउंड 7 o'clock होगी, तकरीबन 7 के पास, तो 7 से लेकर टिल सहरी जो 3:30 बजे तक क्लोज होगी। जी जी, क्या रूटीन होनी चाहिए आपकी उसमें? देखें, सहरी में तो कोशिश आपने यही करनी है कि सहरी में देखें आपने कोशिश करना है कि आपने कम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं ना वो आपने कंज्यूम करने हैं, क्योंकि थ्रू आउट द डे आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, आप सारी बात है रोज़े की हालत में होंगे तो आप आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए डाइट में जो आपको थ्रू आउट द डे एनर्जी प्रोवाइड करती रहे, कोई भी अगर आप जॉब वगैरह करते हैं, कोई भी आपकी एक्टिविटी है थ्रू आउट द डे। सो कॉम्प्लेक्स कार्ब में क्या क्या आ जाएगा? कम्प्लेक्स कार्ब्स में आपके पास काफ़ी सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, स्वीट पोटैटो है, उसके बाद ब्रेड आ जाती है, और भी काफ़ी सारी रोटी वगैरह भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में कॉम्प्लेक्स कार्ब पाए जाते हैं, राइस भी आ जाते हैं, ब्राउन राइस हो गए, दूसरे राइस हो, तो ये इन चीज़ों में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होता है वो ज़रा स्लो डाइजेस्टिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो आपके नॉर्मल कार्ब्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स ये है कि वो जल्दी डाइजेस्ट होता है बॉडी में और फौरन आपको बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है वो थोड़ा स्लो डाइजेस्टिंग होता है। तो वो ये है कि थ्रू द डे आपको ना, अगर आप सैरी में लेंगे
तो आपको थ्रू आउट द डे हेल्प करता रहेगा। बाकी भी कोशिश करें सहरी में को किस तरह की चीज़ें ना खाएं, जो भी ऑयली स्टफ़ या इस तरह का ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि फिर आपको दिन को प्यास लगती है तो वो आपको काफ़ी मसला होगा। तो ये आप ट्राई करें कि सहरी को जितना आप अपना कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो गए, थोड़ा सा प्रोटीन का इनटेक हो, गुड फैट्स हो गए, कोई लिक्विड में अगर आप कोई जूसेस पी लें, कोई इस तरह के जो भी आपको थ्रू आउट द डे गर्मी से मतलब आप समझ लें कि सपोर्ट करें गर्मी से, तो वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। बाकी दही वगैरह का इस्तेमाल करें, योगर्ट बहुत अच्छा होता है। आप अपने बॉडी की फैट कंडीशन देखते हुए उसकी क्वांटिटी आपको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना। अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा है तो आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं कंज्यूम करना। बाकी अफ्तारी में भी पहले भी हमारी बात हुई थी, हमने अफ्तारी में यही कहा था कि डाइट जितनी अच्छी होगी, हाँ अफ्तारी में ये है कि आपने जो कम्प्लेक्स कार्ब्स अवॉइड करने हैं, आपने सिंपल कार्ब्स लेने हैं। क्योंकि जारी बात है जब आप अफ्तार करते हैं उसके बाद आपको कोई इस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं कि आपके बॉडी में जो है, अगर आपने वर्कआउट करना है, आपने ट्रेनिंग वगैरह करनी है, तो फौरन आपको एनर्जी प्रोवाइड करे ताकि आप जिम जाके वर्कआउट वगैरह कर सकें या कोई और आपकी एक्टिविटी है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि रोज़े के दौरान वर्कआउट नहीं करना? नहीं, रोज़े के दौरान मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। कुछ लोग करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं भी करना चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि थ्रू आउट द डे जब आपके स्टमक में कुछ है ही नहीं, आप ना पानी का इंटेक होता आपका, ठीक है ना, आपने कोई चीज़ और कंज्यूम की होती है, तो खाली पेट जा के वेट लिफ्टिंग करना या जो भी आप जिम में जा कर रहे हैं उसका कोई मकसद ही नहीं बनता। तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल यूज़लेस है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, बंदे की अपनी रूटीन होती है, बंदा कुछ लोग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करते, लेकिन जितना अवॉइड कर सकें तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि अवॉइड करें। बाकी क्योंकि अफ्तारी के बाद आपके पास चॉइसेस होती हैं, आपने मील भी कंज्यूम किए होते हैं, उसके बाद आप पानी का इंटेक भी थ्रू आउट द ट्रेनिंग आप इजीली पानी पी सकते हैं, तो बॉडी की हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन होने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, और ट्रेनिंग के दौरान जैसे गर्मी है, गर्मी में रोज़ा फिर आपके स्वेटनिंग होती है, तो फिर डिहाइड्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ड्यूरिंग फास्ट पीरियड में आप ना उस रोज़े की हालत में अवॉइड करें ट्रेनिंग को, और अफ्तारी के बाद आपको जो भी टाइम सूटेबल लगता है अपनी रूटीन के हिसाब से, अगर आप अफ्तारी के फ़ौरन बाद भी जाते हैं तो कोई अफ्तारी में लाइट सी कोई इस तरह की चीज़ यूज़ करें, कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स जैसे मैंने कार्ब्स बताए हैं, प्रोटीन का इंटेक हो गया, थोड़ी सी जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें भी दूसरे सिंपल कार्ब्स पाए जाते हैं, सिंपल कार्ब्स, तो वो आप यूज़ करें, आपको काफ़ी हेल्प होगी। उसके बाद अगर आप रात को लेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने 3 से 4 मील आपने कंज्यूम करने की ट्राई करनी है, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसको देखते हुए, उसी में सहरी का मील भी आपका आ जाता है, और अफ्तार से ले कर बाकी भी बीच में 1-2 मील आपने अपने फोकस करना उनको, उनके ऊपर ट्राई करना कंज्यूम करना। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा लाइक 7 बजे रोज़ा अफ्तार हुआ और उसके बाद 9 बजे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग पे गया है, और ट्रेनिंग पीरियड कितना होना चाहिए, मतलब आपके ख्याल से नॉर्मल जिस तरह ट्रेनिंग पीरियड होता है हमारा 1 घंटे का, या जो लोग 40 मिनट्स प्लस करते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग आपने इसमें बिल्कुल ओवर ट्रेनिंग की तरफ नहीं जाना। नॉर्मल दिनों में ये होता है लोग आप 2 घंटे भी ट्रेन कर रहे हैं, कुछ लोग 1 आवर करते हैं, कुछ लोग 2 आवर्स करते हैं, तो ये है कि रमज़ान में आप कोशिश करें अपनी ट्रेनिंग को जितना आप लिमिटेड कर सकें लिमिटेड करें, ठीक है, और ओवर ट्रेनिंग की तरफ ना जाएं बिल्कुल भी। अगर आप कार्डियो भी बहुत लंबे कार्डियो कर रहे हैं, लंबे कार्डियो उसकी कोई ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी उस कंडीशन में होती नहीं है, और स्टेडी स्टेट कार्डियो जो है ना वो अवॉइड करें, मैं तो यही कहूँगा। हाई इंटेंसिटी हिट वगैरह हिट कर लिया करें, वो काफ़ी अच्छा होता है, हिट कार्डियो जो है उस पर आप फोकस कर लें। बाकी ट्रेनिंग जो आपकी वेट ट्रेनिंग है उसमें भी आप ट्राई करें मैक्सिमम विद इन 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करें, जिसमें आप सुपर सेटिंग्स कर सकते हैं, ड्रॉप सेट्स वगैरह लगा सकते हैं, हैवी लिफ्टिंग कोशिश करें कि इतनी उसके ऊपर फोकस मत करें, वेट लिफ्टिंग कुछ लोग क्योंकि आपकी डाइट का उस तरह का इंटेक नहीं होता थ्रू आउट द डे, तो वेट लिफ्टिंग हैवी हो भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, लेकिन आप फोकस सुपर सेटिंग, ड्रॉप सेट्स और इन चीज़ों पे करें, और ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल लिमिटेड कर लें अपनी तरफ से, जैसे 30 to 40 मिनट्स आप मैक्सिमम इससे ऊपर ना जाएं। कार्डियो अगर आपने करना है हिट कार्डियो जो होता है वो कोशिश करें 5 से 10 मिनट का हिट कार्डियो कर लें बस, इससे ज़्यादा आप स्टेडी स्टेट कार्डियो को अवॉइड करें। ठीक है, ओके, सो हम लोग इसको फिर रैप अप करते हैं और कुछ जो इनके हमारे सवाल हैं वो पूछते हैं। सो कई लोगों को ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 11 o'clock वर्कआउट ख़त्म किया है, अब उसके बाद एक पोस्ट मील का भी वो बनाना चाह रहे हैं, और फिर आगे सहरी भी बहुत करीब आ रही है, तो कभी कभी लोगों को इस तरह होता है कि लोग उस तरह से मतलब, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद आपको भी पता है कि बॉडी फॉरन फूड मांगती है, बिल्कुल ऐसी, और लोगों को इस तरह होता है कि यार हम सहरी में ज़्यादा खा लें, अभी हम कम खा लेते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
इसमें ये है कि देखें, जो भी आपकी जो बॉडी वेट की कंडीशन है ना, और जो आपकी बॉडी टाइप है, उसको देखते हुए आपने अपनी कैलरीज की कंजम्पशन करनी है। और आपकी जो बॉडी की कंडीशन है, आपने देखना है आपकी कितनी कैलरीज रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। आपने जो भी वर्कआउट ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका चल रहा होता है, उसको आपने फोकस करना है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जो अफ्तारी से ले कर टिल सहरी तक कम से कम 4 मील्स आप किसी भी तरह फॉलो करें। 4 मील्स होने चाहिए। नॉर्मल डेज में ये होता है कि आप 6 मील्स कर रहे होते हैं, जो नॉर्मल रूटीन होती है, जो प्रॉपर जो बॉडी बिल्डिंग का मैं बता रहा हूँ या फिटनेस का जो भी होता है, जो प्रॉपर मील्स होते हैं जिसमें स्नैक्स भी इंक्लूड होते हैं और दूसरे मील्स भी होते हैं। तो इसमें कोशिश ये करें कि 4 मील आपके होने चाहिए। वो अब आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप ट्रेन अपने आप को किस टाइम कर रहे हैं। अगर आप रोज़े के फ़ौरन बाद कर रहे हैं, या आप 9 बजे कर रहे हैं, 11 बजे कर रहे हैं, या टिल लेट सारी से पहले कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देखते हुए अपनी रूटीन के मुताबिक आपने मील्स की कंजम्पशन करनी है। चाहे उसमें आप स्नैक्स ऐड कर लें, या चाहे आप उसमें प्रॉपर जो मील्स हैं वो भी ऐड करें, लेकिन 4 मील मैं रिकमेंड करूँगा मस्ट हैं आपके लिए। 4 मील होने चाहिए, और मसल्स ब्रेक डाउन रोकने के लिए, जो है ना, मसल को ब्रेक डाउन होने के लिए आप कह लें कि रोकने के, वो आपको मैंने पहले भी बात हुई थी, BCA सप्लीमेंट्स आता है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स उन्हें कहते हैं, वो काफ़ी हेल्प करेंगे। वो कोशिश करें वो आप लाजमी कंज्यूम करें रमज़ान में। अगर आप नॉर्मल डेज़ में नहीं भी कर सकते तो कोई मसला नहीं, लेकिन रमज़ान में मस्त करें, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है रमज़ान में। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। थैंक यू नुमान भाई फॉर ऑल दी इन्फॉर्मेशन। और अगर आपके कोई और भी मजीद क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पे क्लिक करें इस वीडियो के, और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड डू लेट अस नो अगर आपके और भी मजीद क्वेश्चंस हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कमेंट्स के अंदर आंसर करने की, या अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो हम एक और वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर निकाल देंगे। हाँ जी, और उसके अलावा हमारे जो वीडियोज़ होते हैं, इसके नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दिए होते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए होते हैं काफ़ी सारे चैनल्स के जो नए यूट्यूबर्स हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप उनको भी सपोर्ट किया करें। लाजमी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक किया करें, वहाँ पे हमने बिलो लिंक्स हमने दिए होते हैं उन चैनल्स के, तो आप उनको फॉलो करें, उनको भी सब्सक्राइब करें ताकि वो भी अपने चैनल्स को ग्रो कर सकें। बाकी हमारे चैनल को तो आप ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट यही है कि मज़ीद आप सपोर्ट करें, जितना हो सकते हैं हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाते रहेंगे। ऑलराइट गाइस, रमज़ान मुबारक।